नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। तो शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट की 9th एडिशन की लेटेस्ट सीरीज में आपका स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 7 जिसका नाम है एनवायरनमेंटल इश्यूज, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही फ्री में वीडियोस मिलती रहें। तो भैया अब हम यहाँ पे जो शुरुआत से समझेंगे वो समझेंगे सैंड माइनिंग इन इंडिया को लेके और इसके क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं उसको आइए जानते हैं। देखिए जो ये सैंड है ना, सैंड मतलब रेत बालू, हाँ जिसमें सब कंकड़ वंकड़ सब बिल्कुल छोटे छोटे सब मिला हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे? जो भयानक टाइडल वेव्स आती हैं समुद्र के किनारों पे, उनसे बचाव करता है। स्टॉर्म से आंधी तूफान आता है उससे बचाव करता है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ और मरीन ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पर इसके अंदर रहते हैं। उसके अलावा अगर हम मैन मेड यूजेस की बात करें तो रोड्स को फिल करने के लिए यहाँ पे कंक्रीट फिलिंग रोड्स के लिए काम आता है। बिल्डिंग बनती है तो उसका उपयोग होता है। ईंटा बनाने में, ब्रिक मेकिंग में इसका उपयोग होता है। ग्लास, सैंड पेपर्स, रिक्लेमेशन या किसी भी तरह का टूरिज्म इंडस्ट्री में, मान लो बीच पर आप गए घूमने के लिए तो बीच पर आप सैंड में को पैर वैर डाल के फोटो वोटो खींच लेते हो कि नहीं? तो ये सब इसके यूजेस हैं सैंड के, हाँ। और ऐसा आपको पता भी है। अब बात आती है कि सैंड माइनिंग क्या होता है। मैम देखिए, सैंड माइनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो सैंड है, जो ये रेत है ना, और ग्रेविल, ग्रेविल मतलब क्या होता है, कंकड़ जो होते हैं छोटे छोटे, तो सैंड और ग्रेविल को रिमूव करा जाता है। और जहाँ पे ये काम को किया जाता है वहीं समझ लीजिए एक इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैंड की डिमांड तो बढ़ जाती है इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन में, और फिर वहाँ से सैंड निकाल निकाल के ये काम करते रहते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर भी दिया है कि भैया ये रोक लगाई है कि सैंड माइनिंग आप बिना किसी क्लियरेंस को पाए ना, एक रिक्वायर्ड अथॉरिटी से सैंड माइनिंग को बिना क्लियरेंस लिए नहीं कर सकते हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे सैंड की जो क्वांटिटी है वो जो है नहीं इतनी है, या जो है लिमिट लगा रखी है वहाँ पे कि इतनी ही सैंड माइन होगी, तो वहाँ पे उस पर रोक लगाई है। हज़ारों टन सैंड तब भी इलीगल तरीके से इसकी माइनिंग होती है ताकि डिमांड जो है वो पूरी करी जा सके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन इसमें से करा जा सके। अभी हाल फिलहाल मैंने पढ़ा था कि जो मतलब न्यूज़ आई थी बिहार के अंदर सिर्फ 320 ही समथिंग पॉन्ड रह गए हैं, सब पार्ट पार्ट के उस पर बिल्डिंगें बनाए चले जा रहे हैं, बहुत सारी सैंड माइनिंग होती है वहाँ भी, तो इससे बड़ा गलत है। सॉरी, थोड़ा खांसी से एडजस्ट कर लीजिएगा, गला ख़राब हो गया। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया उसके एनवायरमेंटल रीज़न या दूसरी चीज़ें ये हैं, बहुत सारी वजहें हैं। क्योंकि सैंड में आप देखिए भाई, नीचे उसी के माध्यम से परकुलेट होके पानी अंदर जाता है। उसके बाद देखा जाए तो अगर आप देखोगे कि इस लेयर को हटाओगे तो इरोजन होने के चांसेस है, चेंजेस हो जाएंगे चैनल बेड में, हैबिटेट वहाँ का बदलेगा। उसके अलावा अभी खोद दोगे तो क्या होगा, डीपनिंग ऑफ रिवर्स होगी, रिवर चैनल एस्चुरी सब एकदम उल्टे सीधे हो जाएंगे, रिवर माउथ बहुत बड़े हो जाएंगे। तो जैसे रिवर सिस्टम लोअर होगा तो लोकल जो ग्राउंड वाटर है वो भी तो अफेक्ट हो जाएगा ना, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी एग्रीकल्चर में, लोकल लाइवलीहुड के लिए। तो सैंड माइनिंग से बहुत समस्या हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर कुछ लीगल कदम उठाए उसकी बात करें तो ग्राउंड वाटर में शॉर्टेज होना, ये भी देखा गया है कि मेन प्रॉब्लम है इस रिवर सैंड माइनिंग का। और लेस कंसिडर्ड इन लीगल एक्शन, लीगल एक्शन में तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपर्ट ने इस बात को देखा कि सैंड के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनसे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिर आ जाती हैं ऐसा करने पे, है ना।
जो स्ट्रीम के रिजर्व हैबिटेट हैं उनका लॉस होता है, स्पीशीज जो कि उस डिपॉजिट से अटैच हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, लाइट का पेनिस्ट्रेशन कम हो जाता है, प्राइमरी प्रोडक्शन कम हो जाता है, फीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। अब देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं पैसे से रिलेटेड सैंड माइनिंग अगर आप करते हो तो। देखिए रेवेन्यू का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल ये एस्टिमेट करा गया है कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है वहीं पे ही लॉस हुआ है टू द एक्सचेकर इज अबाउट 1,000 करोड़ रुपीज़ का, बट इम्पैक्ट जो सैंड माइनिंग ने डाला है सिंपली इन्वायरमेंट पे, वो तो तुम छोड़ ही दो, इन्वायरमेंट तो ऐसे ही तहस नहस एकदम लूट लिया है इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, तो आप उसको तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। इंसान अभी इन्वायरमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, एक समय आएगा जब इन्वायरमेंट के इतने रोने होंगे कि पैसा तो बहुत होगा इन्वायरमेंट ही नहीं होगा, तुम खाओ जियोगे कैसे। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, जो हमें समझने की ज़रूरत है, थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, समझ जान के इसका सोल्यूशन। देखो रिवर यूँ बह रही है सपोज, अब मान लो आपने यहाँ यहाँ के सब सैंड खोद डाली, निकाल डाली इधर उधर की, तो ये पानी है, ये पानी कहीं से भी बहने लगेगा, बाढ़ आना शुरू हो जाएगी इधर उधर, मुसीबतें क्रिएट होने लग जाएंगी। हाँ तो रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, सैंड और बाउल्डर्स रिवर को अपना कोर्स चेंज करने से रोकते हैं, एक बफर के तौर पे जो है वो रिवर बेड के लिए यूज़ होते हैं या काम करते हैं, लेकिन ऐसा होगा तो फिर कोर्स चेंज होगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस कि इलीगली जो ऐसे निकाला जाता है ना, एक तरीके से समझ लीजिए इतना ही है जैसे आप चुरा रहे हो पानी को, हाँ क्योंकि आप खराब कर रहे हो पानी को भी ऐसे इस तरीके से सैंड माइनिंग करके, क्योंकि सैंड के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत होती है, और जब बिना सोचे समझे आप इसको माइन कर लोगे, ट्रकों में लाद लाद के ले जाओगे बहुत सारी, तो समझ लो कितनी सारी क्वांटिटीज ऑफ पानी भी तो आप रास्ते में ही वेस्ट कर दे रहे हो। हाँ तीसरा कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल्स। देखिए सैंड जो कि रिवर बेड पे होती है वो एक लिंक के तौर पे काम करती है उस फ्लोइंग रिवर के बीच में और जो वाटर टेबल है वहाँ पे उसके बीच में, है ना, ये पार्ट है एक्विफर का। फॉर एग्जाम्पल इलीगल और एक्सेसिव सैंड माइनिंग करोगे रिवर बेड के अंदर, जो पापागनी कैचमेंट एरिया में हुई थी कर्नाटका के, उसकी वजह से देखने को मिला कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल और इन्वायरमेंटल डिग्रेड हुआ था वहाँ के गाँव में जो कि आसपास के थे रिवर के, दोनों ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर। चौथी बात ये कि जो हैबिटेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उस पर भी बहुत इम्पैक्ट डालती है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि आपको दिखेंगे नहीं लेकिन भाई बहुत सारे होते ही हैं, क्रिटिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी फर्टिलिटी के लिए, तो जब आप इसको खोद खाद के ले जाओगे तो आप सही तरीके से सबका घर द्वार सब छीन ले रहे हो, उन जानवरों का, हाँ उन जंतुओं का। पांचवा इम्पैक्ट ये डालते हो कि रिवर इरोजन बहुत बढ़ जाता है। देखो जब सैंड माइनिंग करते हो ना तो वो बाउंड्री यहाँ से हटेगी, सब ऊपर से हट जाएगी सैंड, ठीक हैवी मशीन से सब खत्म हो जाएगा, तो इरोजन की जो कैपेसिटी है रिवर की वो और बढ़ जाएगी। छठी बात रोड्स को ब्रिजेस को डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल विष्णु प्रयाग जो कि आपके जो बाउल जो विष्णु प्रयाग के अंदर जो बाउल्डर्स थे जो नीचे आ गए विद द रिवर वाटर, उन्होंने डैमेज कर दिया साइड को डैम की, एंड पानी फिर फैल गया पूरे में, जिससे बहुत हैवी डैमेज देखने को मिला। सातवीं बात ये कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को खतरा है। किसको खतरा है? एग्रीकल्चर को, कि देखिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे रोक प्रोहिबिशन लगाए गए हैं, रेगुलेशन करे गए हैं, लेकिन तब भी सैंड माइनिंग करी जा रही है। ये जो आपका भारत पूजा है केरला के अंदर उसके रिवर बेड पे, तो वाटर टेबल वहाँ का बिल्कुल नीचे गिर गया है ना, एक टाइम पे वो ज़मीन के अंदर बहुत सारा राइस हार्वेस्ट करा जाता था। और आप जानते हैं कि जब पानी में ही राइस को जो है उगाते हैं, आज के टाइम पे वो जगह पानी की कमी से जूझ रही है, गांव दराज वहाँ के शहर जो आसपास के हैं रिवर के बहुत बुरी तरह पानी की स्कार्सिटी से झेल रहे हैं, है ना। उसके अलावा
दिक्कत आती है, डैमेज करता है ये कोस्टल इकोसिस्टम को भी। देखिए इलीगल प्रैक्टिस अगर ये बीच पे होगी, क्रीक्स की वजह से, क्रीक्स पे होगी, तो इससे इरोजन होगा ना शोर लाइन के आसपास। एग्जाम्पल के तौर पे कि किहिम बीच ऑफ अलीबाग शोर लेवल बहुत कम हो गए हैं, जिससे वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो वॉल अपनी बना के रखे हुए हैं ताकि सी से खुद को बचा सकें, है ना, ये वहाँ अंदर पानी और सब तहस नहस आज ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कोस्टल सैंड माइनिंग की वजह से और परेशानियाँ भी आती हैं, जैसे वहाँ की फिशरीज डिस्ट्रॉय होती हैं, वहाँ के कोरल और मैंग्रोव वेटलैंड सबको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से नियर एक्सटेंशन घड़ियाल का देखने को मिलता है। घड़ियाल क्या है, एक क्रोकोडाइल की स्पीशी है ना, यूनिक है इंडिया में। मेजर इम्पैक्ट जो बीच की सैंड माइनिंग का है वो लॉस है प्रोटेक्शन का स्टॉर्म से, है ना, जो भाई साइक्लोन आते हैं, सुनामी आती हैं, तो सैंड कई हद तक उसको रोक लेती थी, इतना इम्पैक्ट नहीं होता था, लेकिन ये समस्या बढ़ रही है। अच्छा, अगली प्रॉब्लम ये कि पानी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट जो फार्म वर्कर्स के हैं उनका लॉस होता है और लाइवलीहुड को भी खतरा है। तो ये कुछ बातें हैं जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं सैंड माइनिंग के। अब नेक्स्ट आता है आज करंट रूल्स और पॉलिसीज़ क्या हैं जो इस रिलेशन को लेके हैं सैंड माइनिंग को ऑपरेट करने को लेके। एक बार मैं स्टेट बताऊंगी आपको, वहाँ का की फीचर बताऊंगी, और फिर जो भी जो इम्पोर्टेंट रिवर इफेक्ट हुई है वो बताऊंगी। सबसे पहले स्टेट की बात करते हैं केरला की। केरला के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बैंक्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एक्ट लाया गया था 2001 में, फीचर ये था कि सैंड माइनिंग को परमिशन दी जाएगी कुछ सेलेक्टेड एरियाज में, और हर एक सेलेक्टेड एरिया या जो कदावु होगा इसे कदावु कमेटी मैनेज करेगी और इसी मैटर्स पे डिसाइड करेगी, जैसे कि क्या क्वांटम होगा माइनिंग का जो परमिट करना चाहिए, किस तरीके से हम लोकल लोगों को मोबिलाइज करें कि वो देखें इन सारे ऑपरेशंस को, इस बात को इंश्योर कराएं कि रिवर्स और रिवर बेड को प्रोटेक्ट किया जाए, और कौन सी रिवर अफेक्ट हुई थी। इसमें अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, भारतपुज़ा, उसके अलावा कुदियाती रिवर, अचंकोविली, अकोविल, पंपा एंड मणिमला, परियार, भवानी, सिरुवनी, थूथापुज़ा, चित्तूरपुज़ा रिवर कुछ आपका अष्टमुड़ी और वेम्बाद लेक से कैचमेंट्स में आती हैं वो। तो ये केरला की कहानी है। नेक्स्ट स्टेट जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ था, जो ऐसी पॉलिसी लाई गई जो इस बात को इंश्योर कराए कि जो क्वारीफाइंग होता है ना, क्वारिंग है सॉरी, सैंड की वो हो गवर्नमेंट पोराम्बोक लैंड्स में और प्राइवेट पट्टा लैंड्स में, और ये किया जाएगा सिर्फ सरकार के द्वारा। सरकार ही सिर्फ निकालेंगी, ये सब काम सरकार के हाथ में होगा। मेकेनाइज तरीके से सैंड माइनिंग पे रोक लगाई गई है, और 2008 में ये पॉलिसी को काउंटर माइंड करा गया था सरकार के द्वारा, और प्राइवेट पार्टीज को भी खैर परमिशन दे दी गई थी कि आप भी माइनिंग कर सकते हो। रिवर कौन सी इफेक्ट हुई, रिवर में कावेरी, वैगई, पलार, चेयर, अरानियार, कोसा थायार, भवानी, वेलर, वैगई, थामिरा परानी, कोलिदम, कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपकी नागापट्टिनम की, तूतीकोरिन की, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी की, हिल रीजन सलेम और इरोड डिस्ट्रिक्ट्स के। फिर नेक्स्ट जो है वो स्टेट जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी अपनी कर्नाटका। तो कर्नाटका की कहानी कुछ ऐसी है कि यूनिफॉर्म सैंड माइनिंग पॉलिसी यहाँ पे अलाउ नहीं करती सैंड माइनिंग को कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में, है ना, ऐसे एरियाज में, और रोक लगाती है कि आप मशीन का यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो सैंड की माइनिंग करने से, रिवर्स है। हाई कोर्ट ने केरला के इस मेकेनाइज बोर्ड पे सैंड माइनिंग की रोक लगाई थी स्टेट के अंदर अप्रैल 2011 में। सितंबर 2011 से केरला माइनर मिनरल कंसेशन अमेंडमेंट रूल्स 2011 के अनुसार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देखने की सैंड माइनिंग की, वो पब्लिक वर्क्स को दे दी गई, पोर्ट्स और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दी गई।
कौन कौन सी रिवर अफेक्ट हुई थी? इसमें कावेरी, लक्ष्मणा तीर्था, हारंगी, हेमवती, नेत्रावती और पापागनी। नेक्स्ट हमारी स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो 2006 की बात है साथियों, एक नई पॉलिसी लाई गई जिससे अलाउ करा गया ना सिर्फ मैनुअल लेबर को और बुलॉक्स को कि वो माइन कर सकते हैं सैंड को रिवर बेड्स पे, बल्कि बुलॉक कार्ट्स, म्यूल्स और दूसरे एनिमल्स को एग्जेम्प्ट भी करा गया किसी और तरह की माइनिंग टैक्स से। कॉन्ट्रैक्टर्स को अलाउ करा गया सैंड को कि आप ओपन बिडिंग करिए, है ना, बाय अ कमेटी जिसे हेड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर्स। सैंड को सिर्फ बेचा जाएगा सिर्फ मैक्सिमम रिटेल प्राइस के टैग के साथ, अदरवाइज ये एक पेनाल्टी लगाई जाएगी। और यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे पोकलेंस का जो यूज़ था वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया और माइनिंग को बिल्कुल मना कर दिया गया। 3 मीटर से नीचे आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी रिवर अफेक्ट हुई? गोदावरी, तुंगभद्रा, वंशधारा, नगावली, बहुधा और महेंद्र तान्या। नेक्स्ट स्टेट हमारी है महाराष्ट्र। न्यू पॉलिसी 2010 जिसके अंडर कंपलसरी था कॉन्ट्रैक्टर्स को के लिए कि वो परमिशन लेंगे पहले ग्राम सभा से सैंड माइनिंग करने के लिए। बैन लगाया गया कि किसी तरह से सक्शन पंप्स को आप यूज़ नहीं करोगे सैंड को निकालने में, और सैंड माइनिंग लाइसेंस को दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से। हालांकि सैंड माइनिंग के प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी लेंगे। अच्छा, कौन कौन सी रिवर्स अफेक्ट हुई? इसमें क्रीक सैड थाने, नावी मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी हुई। नेक्स्ट स्टेट हमारी है उत्तर प्रदेश। तो नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट असाइनिंग अ स्पेशल माइनिंग स्क्वाड को ये चार्ज दिया गया कि आप स्पेसिफिक ये काम करेंगे इम्प्लीमेंट करने का, अल्टीमेटली एक्सट्रिकेटिंग ग्रेटर नोएडा को फ्रॉम द सैंड माइनिंग माफियाज डिग्रेडेशन। ठीक है, कौन कौन सी रिवर इफेक्ट हुई समझते हैं। छोटी गंधक, गुर्रा, राप्ती और घाघरा। तो कुछ सजेशंस की बात कर ली जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव तो ये है कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ठीक है, इसको आप कैसे बनाते हो, या आप स्टोन को स्टोन क्रशिंग प्लांट्स में स्टोन को डालिए तो ये मैन्युफैक्चरिंग सैंड जो है उसको आप पत्थरों से बनाओगे जिसका यूज़ करा जाता है फॉर एग्रीगेट्स, एंड क्वालिटी जो है वो वैसे ही होती है, इवन बेटर ही होती है रिवर सैंड के कंपैरिजन में। तो ये एम सैंड रिलेटिवली सस्ती भी पड़ती है, ये कर सकते हो आप। दूसरी बात ये कि आप फ्लाई ऐश का यूज़ करो। फ्लाई ऐश के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, इसको ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ करो और इसको प्रमोट करो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तीसरी बात कि सरकार को भी अपना यहाँ काम करना चाहिए अच्छे से कि जब लीज आउट करें रिवर बेड को माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो प्रॉपरली क्लियर एरियाज़ को देखें और लाइन ड्रॉ करने की इतने से आगे नहीं करा जाएगा, मॉनिटर करें माइनिंग एक सूटेबल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के माध्यम से ही करी जा सके। चौथी बात कि टाइम टू टाइम पे असेसमेंट करना ज़रूरी है कि कितनी सैंड जो है वो माइन करी गई है, एज क्वालिटी देखिए अलग अलग होती है ना, रिवर से रिवर में अलग अलग वैरी करती है, एंड विद इन द रिवर भी, है ना, फ्रॉम स्ट्रेच टू स्ट्रेच प्रॉपर आप हर रिवर में चेक करिए इस बात को। पांचवी बात कि इंट्रूसिव टेक्निक का यूज़ करिए। जो जो यूज़ होता है इंट्रूसिव टेक्निक्स का, जैसे कि एक्सप्लोसिव का यूज़ या हैवी एक्सकवेटर मशीन सैंड माइनिंग में, वो लार्जली डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। छठी बात कि माउंटेन एरियाज़ में खासकर सैंड माइनिंग जो है वो मैनुअली और सस्टेनेबली करी जाए। और सातवीं और लास्ट बात कि एक हाई लेवल की लॉबिंग कमेटी को बनाया जाए और लॉज वगैरह भी लाए जाएँ ताकि एफिशिएंट तरीके से, अनबायस तरीके से कदम उठाए जाएं इस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन को लेके। क्या गाइडलाइंस लाई गई हैं सस्टेनेबल सैंड और माइनर माइनिंग मटेरियल के लिए, समझते हैं थोड़ा, माइनर मिनरल मटेरियल के लिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो कहाँ से माइनिंग करनी है, कहाँ पे रोकनी है माइनिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए देश में हो जो प्रॉपर रिवर को उस डिस्ट्रिक्ट के इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर देखे, और इसरो का यूज़ होना, रिमोट सेंसिंग डेटा और ग्राउंड
ट्रुथनिंग का यूज़ होना, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। दूसरा है कि सस्टेनेबल माइनिंग, मतलब माइनिंग करें उन मटेरियल का दैट मच विच इज़ डिपॉजिट एनुअली, जितना हर साल ऊपर इकट्ठा हो जाए सिर्फ उतनी ही माइनिंग करी जाए, एक्स्ट्रा ना निकाल के इकोलॉजिकली इम्पैक्ट को ना डाला जाए। तीसरी बात कि इन्वॉल्वमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का प्रोसेस के अंदर किया जाए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये काम दिया जाए बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जिसके हेड होंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट के। काम ये होगा कि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देंगे 5 हेक्टर तक की माइन लीज एरिया का माइनर मिनरल्स के लिए, मेनली सैंड के लिए। सो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है ना सैंड की रिक्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में, और इलीगल और सैंड माइनिंग नहीं की जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, ये डायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से ही होगा जो होगा। चौथी बात कि ध्यान रखिए साइंटिफिक टूल्स का उपयोग हो, है ना, मॉनिटरिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट करिए कि जो भी हो वो एक साइंटिफिक टूल से ही हो, और यूज़ करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का, बार कोडिंग SMS वगैरह का। आज के टाइम अगर देखें तो कोई ऑथेंटिक डेटा हमें पता ही नहीं है कितने सैंड माइन हो गई है, है ना, तो सिस्टम ये होगा ये बताएगा कितनी परमिशन देनी चाहिए, कितनी सैंड माइन हो गई है, और मॉनिटर करोगे ना माइंड आउट मिनरल इन्वायरमेंट क्लियरेंस को, सॉरी माइंड आउट मिनरल को, इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लोगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की क्या कंडीशन होंगी, कैसे इन्फोर्समेंट होगा, ठीक है। तो इसके चलते जो है ये सब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, और एजेंसी जो भी नॉमिनेट करी जाए मिनिस्ट्री के लिए इस पर्पस के लिए। एग्जेम्पशंस की बात करें तो प्रपोजल दिया जाएगा एग्जेम्प्ट करने के लिए कुछ सर्टेन कैटेगरी को, कि ये सब कैटेगरीज माइन नहीं करी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। बड़े सर से जा के प्लेन उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतनी आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए, जैसे कि अगर आपको ऑर्डिनरी क्ले, आम जो क्ले है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, या ऑर्डिनरी सैंड को मैनुअली एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो ये सब एग्जेम्पशन में आ रहे हैं ना, कि भैया इसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा। जैसे मान लो कुम्हार नहीं होते पोटर्स जो बनाते हैं, वो उनको लेना है ना, अर्दन पॉट्स बनाते हैं ना कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, इनके लिए एग्जेम्पशन है। अगर मान लीजिए एक्सट्रैक्शन करा जा रहा है ऑर्डनरी क्ले का या ऑर्डनरी सैंड का मैनुअली, है ना, किसके द्वारा, अर्दन टाइल मेकर्स होते हैं जो टाइल, अर्दन टाइल बनाते हैं कॉटन इंडस्ट्री बेसिस के लिए, उनके लिए एग्जेम्पशन है। सैंड का डिपॉजिट जो एग्रीकल्चर फील्ड में हो जाता है ना, जब एकदम से फ्लड आता है तो जो फार्मर्स होते हैं, ओनर फार्मर्स, वो उसको हटाते हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन है, ठीक है। उसके बाद कुछ कस्टमरी एक्सट्रैक्शन सैंड का या ऑर्डनरी अर्थ का हो रहा है सोर्सेज से, जो कि ग्राम पंचायत में सिचुएटेड हैं, और वो पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, कम्युनिटी वर्क के लिए हो रहा है, उनके लिए एग्जेम्पशन है विलेज के अंदर। उसके बाद कम्युनिटी वर्क, जैसे कि डिस्टलिंग हो गया विलेज पॉन्ड्स टैंक्स का, कंस्ट्रक्शन हो गया विलेज या रूरल रोड्स का, है ना, जो करा जा रहा है हिंदी मनरेगा या अदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। उसके बाद अगर आप निकाल रहे हो, डिसिल्ट कर रहे हो डैम, रिजर्वॉयर, वियर्स, बैरियर, बैराजेस, रिवर्स या कैनाल्स को मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, है ना, तो जो ड्रेज्ड मटेरियल है उसे यूज़ करा जाएगा डिपार्टमेंटली, और ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ जो है वो करी जाएंगी कि भैया मिनरल जो है उसे यहाँ लिया और सेल करा है इसे कमर्शियली, इट विल बी। लेकिन अगर ऐसा करा जाएगा, अगर लेके और सेल करा जा रहा है कमर्शियली, तो माइनिंग जो है फिर वो माइनिंग और प्रायर इसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में गाइडलाइन और हैंडलिंग क्लस्टर इश्यूज़, मतलब जो ओरिजिनल EIA है इसकी नोटिफिकेशन कोई प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड करती है कि कैसे आपको क्लस्टर सिचुएशन में हैंडल करना है, है ना, और विच हैज़ बीन प्रपोज इन दिस गाइडलाइन, इस बात को इस गाइडलाइन में रखा गया है एंड ये पार्ट बनेगा इस नोटिफिकेशन का। एक EIA EMP, है ना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसे बनाया जाएगा एक क्लस्टर के लिए, चाहे इसमें कितना भी बड़ा साइज़ हो, साइज़ इतनी भी माइनर लीसेस का उस क्लस्टर का, अगर एरिया मान लो 5 हेक्टर से ज़्यादा है तो बनाएंगे, और एरिया अगर 5 हेक्टर से कम है तो ये B2 होगा। तो ये कुछ कहानी है। अब एक काम करते हैं, पाम ऑयल वाला मैं सोच रही थी इसी के अंदर पढ़ा दूँ, बट
आई थिंक इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है मेरी शायद खांसी की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी इसको छोटा ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।